यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक सीलिंग फ़ैन देख पा रहे हैं। इस सीलिंग फ़ैन कुछ देर चलने के बाद यह सीलिंग फ़ैन हमारा जाम हो जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ देर घूमने के बाद यह सीलिंग फ़ैन हमारा जाम हो जाता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको हम पहले ओपन करके हम चेक करेंगे। चलिए हम ओपन करते हैं इसको। पहले हम इस प्लास्टिक पार्ट को हम यहाँ से हटाएंगे। इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ से हम इसका जो मेन कॉइल की जो स्क्रू है इसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से। यहाँ पर हमारा जो मेन कॉइल की जो स्क्रू है ये हमारा तीन स्क्रू है। तीन स्क्रू को हम पहले रिमूव करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने तीनों स्क्रू को हमने रिमूव कर लिया। अब यहाँ पर हम फैन को ओपन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा फैन ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। हम साइड में रखेंगे। पहले तो हम इस पार्ट को हम बाद में देखेंगे। पहले ये जो बियरिंग देख पा रहे हैं इसको हम पहले रिमूव करने की कोशिश करेंगे। इस तो इस बियरिंग को रिमूव करने के लिए इस टाइप का एक पुलार की ज़रूरत होगा। चलिए हम इस बियरिंग को रिमूव करते हैं यहाँ से। चलिए मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले इस प्लेट को यहाँ से हटाएंगे। अब इसको हम अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से टाइट करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम टाइट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम पुलार की मदद से हम बियरिंग ये जो बियरिंग है इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो बियरिंग है ये हमारा रिमूव हो चुका है। चलिए हम बियरिंग को पुलार से हम बाहर निकलते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बियरिंग को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर इसकी जगह पे हम नए बियरिंग को फिटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम बियरिंग को सेट कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए हमने इस बियरिंग को सेटअप कर दिया। इस वाले बियरिंग को हमने रिमूव करके हमने नए बियरिंग डालने के बाद ये जो जाम का प्रॉब्लम था ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई जाम का इशू नहीं है। अब चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।